हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सर्कस के शेर को काबू करने के लिए बस चाबुक का ही डर काफी होता है, मगर जंगल के शेर को काबू करने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। कई बार तो बलि का बकरा ढूंढना पड़ता है जिसकी कुर्बानी को निशाना बनाकर शेर को काबू किया जा सके। सियासत में चाबुक चलाने वाली सरकार होती है जो ये चाहती है कि सिर्फ चाबुक की आवाज से ही काम बन जाए, मगर कई बार जनता जंगल का शेर हो जाती है जिसके लिए पेड़ से बकरी बांधी जाती है ताकि उसे काबू में किया जा सके। दिसंबर को यूपी में जो प्रदर्शन हुए उसके बाद सरकार को इस बात की चिंता होने लगी कि कहीं लोगों का विरोध देखते हुए इस कानून को वापस ना लेना पड़े, मगर अब लगता है कि लोगों को काबू करने के लिए सरकार ने नया रास्ता निकाल लिया है। वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी के फुटेज में आ चुके हैं, इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे। अब लगता है कि यूपी पुलिस अपने सीएम की बात पर अमल करना शुरू कर चुकी है। अलग अलग जिलों में कई लोगों को अब सरकार का नोटिस मिलने लगा है कि वो बीते दिन हुए हिंसक प्रदर्शन में हिस्सा ले चुके हैं, जिसके नतीजन अब उन्हें इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। रामपुर, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ जैसे कई जिलों के साथ और भी कई जिलों में चिन्हित लोगों को जुर्माने का नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस की खास बात तो ये है कि इसमें पुलिस की टूटी हुई लाठियां और पैलेट गन की बुलेट्स का हिसाब भी जोड़ा गया है। दूसरी हैरानी की बात तो ये है कि इन सभी मामलों में कई सारे अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज है। पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के थ्रू, और जिन लोगों को वहां मौके से अरेस्ट किया गया या जिन लोगों के तथ्य पाए गए हैं कि उन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया है 21 दिसंबर को, उन सारे लोगों को चिन्हित करके उनका नाम पुलिस की तरफ से भेजा गया। एक असेसमेंट भी भेजा गया है कि कितना नुकसान हुआ है, और जो रकम भेजी गई है कि इतने का नुकसान हुआ है उसकी वेरिफिकेशन के लिए संबंधित विभागों को भी नोटिस जारी की गई है। यूपी में इस नोटिस का फायदा शुक्रवार को दिखाई भी दिया। जुमे की नमाज के बाद हिंसा की कोई घटना सुनाई नहीं दी, लेकिन लोगों में इस बात की चिंता जरूर सताने लगी है कि कहीं FIR में उनका नाम न हो, क्योंकि हो सकता है वो पकड़े जाएं और फिर उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए जो इतनी ज्यादा न हो जितना कि जुर्माना है। वैसे भी प्रदेश के 21 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अच्छा है, इंटरनेट आजकल एक चाबुक तो बन ही गया है जिसे बंद करके कई शेरों को काबू में कर लिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो इसमें लिप्त है उसे बख्शा नहीं जाएगा। यदि हम इनोसेंट को नहीं छू रहे हैं तो साथ ही साथ हम इन्वॉल्व पर्संस को भी नहीं स्पेयर करेंगे, और यही कारण है कि हमने बहुत सारे संगठन के एक्टिव मेंबर्स को गिरफ्तार किया, चाहे वो पीपल PFI हो या SDFI हो या फॉर दैट मैटर उन पॉलिटिकल पार्टीज जो उन्होंने परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट किया है, उनके भी कई मेंबर्स को गिरफ्तार किया है। और हम चाहेंगे कि जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों में लिप्त रहे हैं, कृपया उनसे अपील मैं करूंगा कि अब वो इस तरह के हिंसात्मक कार्रवाई न करें, नहीं तो उनके विरुद्ध और भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वैसे सिर्फ यूपी पुलिस ही हिंसा में चिन्हित लोगों को नोटिस नहीं भेज रही है, खुद उत्तर प्रदेश पुलिस के DGP OP सिंह को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भेजा है जिसमें हिंसक प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के बारे में DGP सिंह से जवाब मांगा गया है। जवाब देने के लिए OP सिंह को 4 हफ्तों का समय भी दिया गया है, जिस पर वो क्या जवाब देंगे इसके लिए कम से कम 1 महीने तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल डिटेनीज जो हैं उन सबों पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि वो मौके से गिरफ्तार किए गए हैं, उन्होंने मौके पर इस प्रकार का उकसाने का काम किया है। लेकिन फिर भी हम अगर एविडेंसेस को फिर भी देखेंगे और एविडेंसेस के आधार पर हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार की धाराएं उनके विरुद्ध लगी हैं। जहां तक इंसाइटमेंट का सवाल है, ये बात मैं क्लियर कर दूं कि इस प्रोसेशन और इस प्रदर्शन के पहले हमने अपील किया था, धारा 144 पूरे जनपदों में लगी हुई थी, इसलिए ये कोई कह नहीं सकता कि गैर वैधानिक समूह के बारे में उन्हें मालूम नहीं था।
तो मैं समझता हूं कि जो भी व्यक्ति वहां मौके पे पकड़े गए हैं और जिनका इन्वॉल्वमेंट कई तरह से हमें पता चला है, चाहे वो वीडियो फुटेज हो या और भी अदर एविडेंसेस हो या इंटरोगेशन से हमें पता चला है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इनोसेंट पर्सन का हम ख्याल रख रहे हैं। अब यूपी पुलिस ने जो नोटिस लोगों को दिया है उसमें 7 दिनों का समय है, उधर यूपी डीजीपी की नोटिस में 4 हफ्तों का समय है। खैर पद बड़ा है तो समय भी ज्यादा दिया गया है। अब देखना तो ये है कि नोटिस का जवाब पहले कौन देता है। हालांकि नोटिस का असर यूपी के उन जिलों में देखा भी गया जहां प्रदर्शन ना के बराबर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।